ये देखो बन रहा है खाना, स्पेशली हमारा निर्मल और सोए बर्फ बना रहा है। ये भी अल्लाह के बंदे हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, सब रेडी हो रहा है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। बिरयानी अच्छा है ना, मजा आया कि नहीं? बस अच्छे से खाओ, दूर दूर बैठो, और कल फिर आऊंगा और दूंगा, और राशन भी भिजवा रहा हूँ, ठीक है? मांस भी मिल गया ना, बस लव यू मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। के गोदी मीडिया हमें कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया कहे कि मुसलमानों के वजह से कोरोना फैला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी है कि मुसलमान लोग इस लेवल पे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, और इतनी चीज़ों में वो हाथ बटा रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों तक खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना। उसमें हमारे साथ अल्लाह के बंदे में हमारे एक भाई जुड़ चुके हैं, जो मेरे भी बड़े भाई है, और मैं भी उन्हें बहुत मानता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो भी सखावत में एक नंबर आदमी है। और अब अल्लाह के बंदे से जुड़ के उन्होंने और भी, उन्होंने 5,000 किलो चावल, 1,500 किलो दाल, 1,000 किलो शक्कर, 500 किलो तेल, और भी 1,000 किलो तेल, 1,000 किलो तेल अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए किस कदर से सबको दिया जा रहा है, यहाँ तक के इन्होंने सखावत में अपने बेटे सैफ और सब, इनके चारों बेटे सबको ले जाके जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे दे रहे हैं। जहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी जंग है, जहाँ पे लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं, जहाँ पे छूने से बीमारी फैल जा रही है, जहाँ पे लोग कोरोना से मर रहे हैं, उसमें अपने चार बेटों के साथ एक हिम्मत वाला बाप, एक मर्द मुजाहिद ही कर सकता है। मैं आपको मिलाता हूँ फारूक बटाटा वाला से। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे, आपने कैसे ये सोचा भाई कि जुड़ते हैं और करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, और आपको अपने चारों बेटे जो आप जान से ज़्यादा प्यार करते हैं उनको भी इस काम में लगा दिया, और वो पूरे बम्बई में घूम के हमारे साथ भी घूम रहे, हमारे साथ भी जा रहे और वहाँ भी जा रहे, और अभी भिवंडी गए हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो वक्त है, सबको सोचने का भाई, अब ये वक्त करने का सिस्टम नहीं, हमने करेंगे तो कब करेंगे। हाँ, लेकिन आप ये हमेशा से करते आ रहे हैं भाई। हाँ, पहले करता हूँ। मतलब ये आपके दिल में कैसे आता है कि आपको मतलब ये करना ही है भाई? देखो, अगर दिल है तो करना चाहिए, मेरा मानना है इंसान के लिए प्यार है, किसी के हर किसी को प्यार है तो करना चाहिए। और मैंने ये भी सुना कि आपने कम से कम 100-150 हिंदू फैमिली के यहाँ भी चीज़ें पहुँचाई है, और उनको भी आपने वो, क्योंकि आप नहीं, लोग यहाँ पे गोदी मीडिया क्या बोल रही है कि सिर्फ ऐसा है, सिर्फ वैसा है, हम लोगों को बोले कोरोना हमारे वजह से आया है, ये सब है। खैर, जो आप कर रहे हो भाई, पूरी लिस्ट बना के दिया जा रहा है। बस इंसानियत है, इनको कैसे समझाए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह के बंदे जो भी, हाँ यार देखो ये टाइगर लोग आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रहे हो सैफ? गवंडी। तुम्हारे ग्लव्स कहाँ है, तुम्हारा वो कहाँ है मास्क? भी तो उतारा। हाँ, ये उतारा मास्क, और ये देखो ये इनका छोटा बेटा, ये देखो सब खुद। कहाँ से जा रहे हो, क्या कैसा माहौल है, क्या करके आए हो? अभी हम लोग ने पूरा राशन बांट गया। बहुत भूख है ना लोग, बहुत भूख है, बहुत लोग, अभी तो आज थोड़ा वहाँ पर खाना वाना भी चालू किया था छोटा मोटा वहाँ पर। आज मैंने सुना तुमने हमारी तरह दो डेग भी बनाई है। माशाल्लाह, कैसा फील हो रहा है? कुछ मैसेज देना चाहते हो हिंदुस्तान को? बस भाई अच्छे से रहो, और अभी देखो थर्ड स्टेज, और आप लोग भी करो भाई समझो, और अभी तो फेस दिखाओ तुम्हारा तो थोड़ा। ये देखो ये सब मर्दे मुजाहिद लोग है, सब कर रहे हैं। जितने लोग उतना करना चाहिए, 1,000 में से 100 रुपए दो, मगर दो। और वो मैसेज दे दो कि ऐसे लोग में जब जो एक का राशन बोल के दो दो चार चार लोगों का राशन ले जा रहे हैं, उनको कीड़े पड़ेंगे। लोग का हक मत खाओ, समझे भाई, जिसकी चीज है उसको पहले जाना चाहिए, और जिसको नहीं जा रहा है, क्योंकि एक मिनट लो,
अच्छा ऐसे वक्त में भी इतने सारे नामकूल लोग हैं अल्लाह से डरो कि क्या हो रहा, लिस्ट बन रही है राशन की, उसमें दिया जा रहा है, फिर घूम के वापस आके फिर लेके जा रहा है, फिर घूम के तीसरी बार लेके जा रहा है। ऐसे लोगों से अल्लाह, मेरे भाई ऐसे वक्त में थोड़ा रहम करो। क्या है ना कि आप लोगों की वजह से सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहा है, सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये मत करो, जो जिसका हकदार है वो, हाँ, वो उसको मिल जाए भाई। दुआओं में याद रखना, और टाइगर के लिए ज्यादा दुआ करना, फारूक भाई के लिए ज्यादा दुआ करना, इसके लिए भी करना। एंड ही इज गेटिंग लॉन्च वेरी सून, इंशाल्लाह यू विल सी अ न्यू रॉकी। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। वीडियो को शेयर मारो और गोदी मीडिया। अरे मेरे भाई क्या चाह रहे हो तुम? हाँ, और अब इस मामले में ये बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन की वजह से पूरे भारत देश में कोरोना फैल गया है। शर्म करो यार, ये जो मौलाना वहाँ से आए थे ना, वो लोग भारत ने उनको परमिशन दिया था, उन्होंने अपना वीज़ा दिखा के, ये सारे भारत देश का काम है भाई। और ये कोरोना चाइना से आया है, और तुम हम मुसलमानों पे भक्तों क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो? ऐसे मौसम में भी ऐसा कर रहे हो यार। मेरे यारों फिर से कहूँगा, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम है, हम दोनों हैं इंसान। मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान, और हम मुसलमानों का एक ही है अरमान कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। तो ये याद रखना मेरी जान, शेयर मारते रहो और मेरे भाई ताउन करते रहो, लोगों को खिलाते रहो पिलाते रहो, आसपास के गरीब लोगों को, कुत्तों को बिल्लियों को, खाना नहीं मिल रहा है किसी को मेरे भाई, कीड़े पड़ेंगे, जो अंदर रख रहा है वो मरेगा। आजू बाजू वालों को देखते रहो, देखते रहो मेरे भाइयों, यही मौका है। और हाँ, जो लोग ये बोलते हैं उनको मैं बोल दूँ, हे मेरे भाई, जो जो फेसबुक पे वो लेके बैठे ना कि भाई दिखावा मत करो, मेरे को खुद पाया, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ दिखावा मत करो, बे साले घर पे बैठ के उंगलियां मत चलाओ, आओ निकलो बाहर लोगों के लिए, बनाओ खाना, बांटो खाना, डालो अपनी जान जोखम में। ये दिखाएंगे ना, हमारे नबी करीम के दो हदीस है, एक मदद करो तो ऐसी करो कि किसी को पता ना चले, वो तुम्हारे खुद के लिए, और एक ऐसे मौसम में जब लोगों को ज़रूरत हो मदद की तो दिखा के करो, ताकि तुम्हें देख के और लोग मदद कर सके। तो हमारा मकसद ये है, हम पहले से फेमस है, हमें पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ना फेम की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत मोहब्बत बख्शी है। तो मेरे यारो, घर पे बैठने से, कुछ ना करने से अच्छा नेगेटिविटी मत फैलाओ, किसी का अच्छा काम है उसको फैलाओ तो उसको देख के चार लोग करेंगे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।